अनूर परस दाए वेखो जी हर एक शैते पे अनूर परस दाए वेखो जी हर एक शैते पे अनूर परस दाए लगता है हुणे एथे लगता है हुणे एथे सरकार ने आए लगता है हुणे एथे सरकार कोई लड़दा है लड़दा रे कोई सड़दा है सड़दा रे कोई लड़दा है लड़दा रे कोई सड़दा है सड़दा रे कोई लड़दा है लड़दा रे कोई सड़दा है सड़दा रे सुनिया नित गज बज के सुनिया नित गज बज के मिलाद मनाना है सुनिया नित गज बज के मिलाद मनाना है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है सरकार जया सोना आया है नौना है जी कर दाए मर जाओ जिस दिन दाए सुनिया है जी कर दाए मर जाओ दिन दाए सुनियाए जी कर दाए मर जावा जिस दिन दाए सुनियाए विच कबर दे आका ने विच कबर दे आका ने दीदार कराणाए विच कबर दे आका ने दीदार कराणाए उंगली नु हलाउंदे ने ते चन नु खड़ाउंदे ने उंगली नु हलाउंदे ने ते चन नु खड़ाउंदे ने उंगली नु हलाउंदे ने ते चन नु खड़ाउंदे ने सौ रब दिए चन फलके आका दखलाउणा है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाउणा है सरकार जया सोना आया है नाउणा है हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए हमको अपनी तलब से सेवा चाहिए आप जैसे है वैसे आता चाहिए आप जैसे है वैसे आता चाहिए क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए आपको इल्म है हमको क्या चाहिए आप जैसे हैं वैसे आता चाहिए झोले भर के मेरी मेरे सरकार ने झोले भर के मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए मुस्कुरा
है बस यही इज्जतो मर्तबा चाहिए। आप जैसे हैं वैसे आता चाहिए। एक बहुत खूबसूरत नात है, उसके दो तीन अशआर पढ़ते हैं, मिलकर जरा पढ़ेंगे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है जी, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, जे मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में। अर्शे आजम से जिस मक्का में उमरा करना था सो कर लिया, जिसका दरी उसका दम भरना था भर लिया, जिसका दरी उसका दम भरना था भर लिया। अब मदीने से दूरी गवारा नहीं, अब मदीने से आशिकों का तो काबा मदीने में है जी, आशिकों ये तो अहल मदीना की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर तो दीवार के साथ। आज सब मदीने से दूरी गवा, मदीने से दूरी गवारा नहीं, आशिकों का तो काबा मदीने। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह, एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा मरना जीना मदीने में है जी, अब तेरा मरना जीना मदीने में है। या रसूल अल्लाह, या आपके सामने जनाब हजरत अल्लामा
मौलाना मकसूद अहमद कादरी साहब जो के न्यू जर्सी इतनी दूर से आए हैं, तो वो अपने ख्याल का साउथ जर्सी से नारायण तकबीर, नारायण तकबीर, नारायण रिसालत। अब तकरीर के बाद वो साथ ही हजरत शाह साहब का तारुफ कराएंगे और ऐलान भी करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين الحمد لله بڑی خوشی ہوئی کہ آج کی वीक डेज के अंदर इस पुरनूर महफिल में हमारी शिरकत हुई। अल्लाह ताला हमारी इस शिरकत को हमारी बख्शिश का जरिया बनाए। मैं समीमे कल्ब से मोहतरम सलीम भट्ट साहब और इनके घर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जहाँ लोग इवन वीकेंड के ऊपर मस्जिदों में आकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए तैयार नहीं, यह आपका खलूस है कि वर्किंग डे में, वीक डेज में, जबकि मौसम भी ख़राब है, आपकी एक आवाज पर, आपके खलूस को देखकर लोग खिंचे हुए इस जिक्र रसूल की महफिल में शरीक हैं। और मुझे इसमें कोई तामुल नहीं कि हदीस शरीफ की रोशनी में कि जहाँ जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है या नमाज पढ़ी जाती है तो जमीन का वो हिस्सा दूसरे हिस्सों पर फख्र करता है कि आज मुझ पर किसी ने अल्लाह का जिक्र किया, मुझ पर किसी ने नमाज पढ़ी, तो ऐ फुला फुला जमीन, क्या तुझ पर भी कोई अल्लाह का वली गुजरा या किसी ने नमाज पढ़ी या जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा किया? तो इस पूरे इलाके में आज कम अज कम ये घर और ये जगह फख्र कर रही होगी, यहाँ जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफा भी है। पता है आप मगरिब से बैठे हैं या असर से बुलाए? मगरिब से। हाँ, इतना आप लोग पहले काफी देर से बैठे हैं, तो ज्यादा देर। हाँ, तो ये तो इतनी दूर से लोग आए हैं, तो इसलिए हम इसको तवील नहीं करेंगे। हमारे दरमियान एक अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत मौजूद है, हम उनका खिताब सुनते हैं। बस बरकत के लिए चीशी साहब ने कह दिया एक हदीस शरीफ और उसका मफहूम कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ये हदीस सियाह सित्ता में है, और तो और तबलीगी जमात की जो किताब है तबलीगी निसाब, उसमें भी ये हदीस है। तो यानी ये ना कहेंगे ये हम कोई अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो सहाबा बैठे थे, आपने फरमाया कि बताओ क्या कर रहे थे? तो सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे और अल्लाह ने जो नेमत हमें दी है इस्लाम की, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। जिक्र और शुक्र कर रहे थे। अब पूछने वाले अल्लाह के रसूल, बताने वाले सहाबी, ना यहाँ गलत बयानी झूठ, ना वहां गलत बयानी और झूठ, लेकिन सरकार ने फरमाया कसम उठाओ कि तुम किस लिए बैठे थे? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, हम सिर्फ इसी लिए बैठे, या जिक्र खुदा था या शुक्र खुदा था, जिक्र खुदा और शुक्र खुदा कर रहे थे, और कोई मकसद न था। सरकार ने फरमाया मुझे कोई बदगुमानी नहीं कि तुमने पहली दफा जवाब गलत दिया था, मैंने ये ताकीद इसलिए करवाई है कि अभी जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह फरिश्तों के सामने इस जमात पर फख्र कर रहा था। अल्लाह फरिश्तों के सामने आपके वो उम्मती जो मस्जिद में बैठ के इस वक्त आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र कर रहा है, देखो मेरे हबीब के कैसे उम्मती है। तो अजीजा ने मोहतरम, सरकार का ये बार बार पूछना और कसम के साथ पूछना दरअसल इसलिए ना था कि सरकार को उन पर एतबार ना था, इसलिए था कि क्यामत तक आने वाले मेरे उम्मतियों को यकीन हो जाए कि वो जो उनका काम था उस काम को पकड़ लो। जब जब अल्लाह का जिक्र करोगे और अल्लाह का शुक्र करोगे, अल्लाह फरिश्तों के सामने तुम पर फख्र करेगा। दो ही बातें हैं कुरान में, है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम वल्लाहु शाकिरुन अलीम। फरमाया
अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे, अल्लाह को क्या पड़ी है, वाई शुड अल्लाह गिव यू पनिशमेंट, वाई शुड अल्लाह पनिश यू व्हेन यू हैव टू क्वालिटीज। जब तुम्हें दो चीजें आ जाए फिर अल्लाह तुम्हें सजा क्यों दे, या अल्लाह वो दो चीजें क्या, फरमाया इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र गुजार हो, वह आमन तुम और तुम ईमानदार हो, तो फिर रब को क्या पड़ी है कि तुम्हें सजा दे। शुक्र और ईमान अगर दो चीजें हैं तुम्हारे पास तो फिर मैं तुम्हें क्यों अजाब दूं। मैं हैरान रह गया, या अल्लाह ये शुक्र को पहले रख दिया, ईमान को भी बाद में रख दिया। फरमाया असल ईमान वही है जिसमें मेरी नेमतों का शुक्र होगा। आज हम यहाँ पर शुक्र खुदा बजा लाने आए हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा अजीम नबी दिया, ऐसा अजीम पैगंबर दिया कि जिसकी सदके में हमारी बख्शिश होगी। तो मिलाद मुस्तफा कुछ नहीं सिर्फ इसके कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने हमें अपने हबीब का उम्मती बना दिया। तो इस नेमत का शुक्र अदा करते हैं और दिल में हुजूर की मोहब्बत सजाते हैं। तो अजीजान मोहतरम, हमारे दरमियान आलम इस्लाम की एक अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और जैसे इकबाल ने किसी वक्त कहा था ना कि मेरे उस्ताद को जो है वो उनको कोई मेडल दिया जा रहा था, उन्होंने कहा मेरे उस्ताद को भी मेडल दे। तुमने तो किताबें लिखी हैं, तुम्हारे उस्ताद ने क्या लिखा है, अगर वो भी कोई किताब लिखेंगे हम उसको भी दे देंगे। तो इकबाल ने कहा उनकी जिंदा किताब मैं हूँ। तो अगर आज मैं ये कहूँ कि आज ये फकीर कुछ है तो किबला शाह साहब का सदका है। इनकी खिदमत में रहे, इनसे पढ़े, इनकी सोहबत में रहे, इनके दारुल उलूम में पढ़े, यानी एक भी नहीं, उस वक्त तो एक था जब हम इनसे पढ़ते थे रावलपिंडी सदर बाजार में मौलवी मोहल्ला में जामिया मोहम्मदिया जहाँ पर हजरत का मदरसा था, सैकड़ों तालिब इलम हिफ्ज तजवीद और दरस इंजामी दौरा हदीस वगैरह पढ़ते थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं बल्कि दो दो हो गए। पिंडी ही में तालिबात लड़कियों के लिए हॉस्टल, सिर्फ मदरसा नहीं है हॉस्टल है और मुकम्मल फ्री तालीम है। और उस दौर में शाह साहब ने अपने मदरसे में अंग्रेजी तालीम को लाजमी करार दिया था, जबकि अंग्रेजी तालीम का इंग्लिश का नाम लेना उलमा जुर्म समझते थे। तो अगर उस दौर में इनकी दूरअंदेश निगाहें आने वाले दौर को न देखती तो शायद आज हमारे जैसे बंदे भी अंग्रेजी ना बोलते। और अब शाह साहब ने अंग्रेजी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस जो है इसको भी लाजमी करार दिया, बाकायदा कंप्यूटर लैब बनाई है कि बच्चों को कंप्यूटर भी आए, जदीद तालीम भी दी जाए और कदीम तालीम जो हमारा रिवायती निजाम है दरसे निजामी वो भी पढ़ाया जाए, ताकि ये बच्चे और बच्चियां दुनिया में जाकर इस्लाम की तबलीग करें। तकरीबन 18 मुल्कों में इस वक्त, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में आप चले जाएं तो आपको जामिया रिजविया, जियाउल उलूम, जामिया मुहम्मदिया अनवार जियाउल उलूम और जामिया अताउल हबीब जो है ये मदरसा जियाउल उलूम जो है इसके शागिर्द आपको दुनिया में नजर आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर फख्र है कि हमारे कायदीन जो है ये पुरअमन किस्म के कायदीन है जो बातों पर काम और काम पर ज्यादा यकीन रखते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिंडी में, अब चूंकि हजरत की सोहबत में रहते हैं, मैंने पूछा हजरत फलां मस्जिद में कौन है फलां, वो मस्जिदें हैं जो कल तक अहले सुन्नत के पास थी, तो फिर हमारे लोग चूंकि नमाज नहीं पढ़ते, बहुत सारे मसाइल है, वो दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो अब मैंने पूछा कि सदर में जो इर्द गिर्द बहुत सारी मस्जिदें हैं फलां जगह कौन है फलां जगह, तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर आज इन्हीं के मदरसे के जो फजला है वहां पर इमाम लगे हुए हैं। तो वो मस्जिदें जो दूसरे ले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह आज अहले सुन्नत वल जमात के पास। और वो जो लाल मस्जिद वाला वो एक सियासी पसे मंजर है, उससे हटकर इतना जरूर कहूंगा कि उन लोगों की तरफ से भी बाज औकात इनको दहशतगर्दी और डरावे और खौफ और धमकियां मिलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन उनकी औलाद में से ऐसा हालात हैं, उन्होंने करबला में जान की परवाह की थी, तो शाह साहब जो है वो जान की परवाह करके अपने मसलक और दीन को तो नहीं छोड़ सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हमारे दरमियान ये तशरीफ फरमा है। इनका असल जो मरकजी खिताब होगा वो तो जमात अहले सुन्नत की चौथी सालाना कॉन्फ्रेंस जो मक्की मस्जिद ब्रुकलिन में है, एक तो कल परसों जुमा आ रहा है, आइंदा जो जुमा होगा 12 मार्च को मगरिब की नमाज के फौरन बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा। वक्त की पाबंदी लाजमी है,
मगरिब के फौरन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की ज़ियारत होगी और फिर प्रोग्राम 10 बजे से पहले पहले खत्म। यानी हमने ये स्केड्यूल बना दिया है कि 6 से 10 बजे का प्रोग्राम, जो देर से आता है आए जी बस ठीक है, हाथ लगाए बरकत ले ले और चले जाए। क्योंकि ये जो ट्रेंड है कि 6 बजे का लिखना और 10 बजे शुरू करना और रात फिर 2 बजे खत्म करना, इसको हमने खत्म करना है। तो इस कॉन्फ्रेंस में वक्त की पाबंदी होगी, शाह साहब का वहां पर मरकजी खिताब होगा, तो औरतों के लिए भी इंतजाम है, तो आप अपने फैमिलीज के साथ सबको काले करें और उसको कामयाब करें। इस संडे को जुलूस है जर्सी सिटी में, उसको भी कामयाब करें कि हुजूर की असमत के लिए, मोहब्बत के लिए, ताकि गैरों को हम बता दें कि हम अपने नबी की ताजीम और मोहब्बत के लिए हम सब एक हैं।